Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने की धमकी देने वाले मुकेश सिद्धार्थ पर जिला प्रशासन ने रासुका लगा दी है। रासुका लगने के बाद अब 3 माह तक मुकेश को जमानत नहीं मिल सकेगी। मुकेश सिद्धार्थ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी उससे किनारा कर लिया था। ACJM कोर्ट से सुनवाई के बाद रिमांड बनाकर मुकेश को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला जज कोर्ट ने मुकेश को बाद में जमानत दे दी थी। रिहाई का परवाना जेल पहुंचता इससे पहले ही DGC क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने सभी तथ्यों से अपर जिला जज को अवगत कराया, जिस पर मुकेश की जमानत निरस्त कर दी गई थी। गंभीर तथ्य यह भी है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराए जाने की प्रक्रिया के दौरान भी मुकेश सिद्धार्थ ने अपनी धमकी पर कायम रहने की बात मीडिया से कही थी। पहले देखिए नगर निगम बवाल को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर हुए दलितों के प्रदर्शन के दौरान मुकेश सिद्धार्थ ने क्या कहा था। ये 3 दिन कार्रवाई करें, मुकदमा कायम करें, सुमिंदर तोमर को गिरफ्तार करें, धर्मेंद्र भारद को गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं किया भाइयों, तो एक बात और सुन लो, 10 तारीख तक अगर सुमिंदर की गिरफ्तारी नहीं हुई, या तो सुमिंदर तोमर को जिंदा जलाया जाएगा या फिर गिरफ्तार करेगा। आज मेरठ के SSP रोहित सजवाण ने फर्स्ट बाइट TV को यह जानकारी दी। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत 10 दिन पहले एक पंचायत का आह्वान किया गया था, जिसमें कि मुकेश सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे भाषण दिया गया जिससे कि पूरे जनपद की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी, और उनके द्वारा ऐसी बातें कहेगी जिससे कि लोग भीड़ को उकसाकर और ऐसी चीज़ें हो घटित हो सकती थी जिससे कि जनपद में अशांति फैल सकती थी। तत्काल ही उस प्रकरण में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो अभियुक्त उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि उन्होंने बेल अप्लाई की है और उनके बेल पर आने से और भी खतरा शांति व्यवस्था को हो सकता है, ये देखकर पूरी कानूनी विधिक राय लेकर इसमें एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित की गई थी, जिनमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें 3 माह के लिए उनको निरुद्ध किया गया और जिस प्रकरण में अब उनको वर्तमान में बेल नहीं मिल पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।